नमस्ते फ्रेंड, मैं धनवीर, आप सभी का एक नई सुबह में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है नाश्ता और आज बन रही है मंडुए की रोटी। दिखाना कैसी यार, इसने इसमें वो कितना डाल दिया, इसने आटा मिला दिया, इसलिए प्योर नहीं बनी है, थोड़ा सा मिक्स हो गया। यानी कि 60-80% ये मंडुआ है और 20% इसमें जो है आटा है। वाह, तो बहुत कड़कड़ी रोटी है ये। और यहाँ पे बीना बना रही है रोटी और हीना देख रही है उसको कैसे बना रही है। और भाई ये है चूल्हा, चूल्हे में बन रही आज मंडुए की रोटी एंड आटे की रोटी भी है दूसरी वाली की। तो जी मैं तो लेता हूँ आनंद। हल्की सी ठंड हो, बाहर बारिश पड़ रही हो और मंडुए की रोटी मिल जाए, यानी क्वादर रोटी, क्वादे कोदे की रोटी मिल जाए। इसके साथ में घी होना चाहिए, बट घी है तो है नहीं आजकल, गाय बहुत कम दूध दे रही है, तो फिलहाल सब्जी के साथ ही खाना पड़ेगा। बट बहुत ही स्वाद होती है और माना जाता है कि इसमें 100% कैल्शियम होता है, बहुत अच्छी होती है। खूबसूरत मौसम और भाई जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बाल्टी हमने लगा रखी है क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे नल टूटे हुए हैं, इन्हीं से काम चल रहा है। और व्यू की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। सुबह से लगातार बारिश और अब बज चुके हैं 3, तो 3 बजे हमें यहाँ पे मौसम देखने को ऐसे मिल जाता है। मैं ले जा रहा हूँ आज आपको हमारे यहाँ पे, ये नदी है, पहले बहुत छोटी थी बट अब आपदा की वजह से बहुत बड़ी हो चुकी है। वहाँ आपको सैर करवाने वाला हूँ और जंगल की तरफ जो रिवर है हमारी वहाँ ले जाने वाला हूँ। सो अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलने वाला है और बस आप बने रहें वीडियो में। हम निकल चुके हैं आपको दिखाने बहुत ही अच्छी रिवर और वहाँ के जंगल घने और बहुत कुछ, बस आप बने रहे वीडियो में। तो बच्चों के लिए त्यौहार, क्योंकि आज बनाने जा रहे हैं हम ड्रोन, तो सभी बच्चे गांव के इकट्ठे होके चल रहे हैं साथ में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे खूब ड्रोन उड़ाया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े ये पेड़ गिरे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, मोटे मोटे पेड़, यहाँ की नदियाँ। ये आवाज भाई, ये कैमरा फंस गया, जब अनमो घुमा आ रहा ना तो कैमरा फंस गया, रोटेट होना भी नहीं मार्क। बैठो ये वहां फंस गया। तो फ्रेंड्स मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सिगरी विलेज, और जो लेफ्ट हैंड में मेरा सफ़ेद वाला मकान है तो वो मेरा है और ये मेरा गांव है छोटा सा, और जो ऊपर ये दो घर दिख रहे हैं आपको ये भी मेरे ही हैं, और यहाँ पे जो ये खेत है ये भी मेरा ही है और इस पे पुतले हैं। इस खेत में जो पुतले आप देख पा रहे होंगे ये हमारी ही खेती है, और यहाँ पे है हमारे भाई साहब का घर। और थोड़ा सा हम कैमरे को घुमाते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, और ये साइड में है रिवर, ये देखिए आप, और ये भी मेरे ताऊ जी का घर है। और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा दूर से कि मेरा गांव कैसा दिखता है ऊपर से, तो ये देखिए आप। मुझे ड्रोन चलाना नहीं आता इसलिए बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि पेड़ इतने हैं कि समझ में नहीं आ रहा, कहीं लग जाए तो टूट ही जाएगा। और ये फर्स्ट वाला घर, फिर सेकेंड आता है, थर्ड मेरा है, तो लास्ट में मेरा घर है। तो ये है जी मेरा सिगरी गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये मेरी घर की